फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को टैली में एडवांस रिसीट की एंट्री कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। एडवांस रिसीट बहुत ही सिंपल एंट्री है, आई नो, अगर आप टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। बट ट्विस्ट ये है कि अगर उस एडवांस में GST भी एप्लीकेबल है और आप चाहते हैं कि आप अपने टैली सॉफ्टवेयर से ही GSTR 3B भी जनरेट करें और GSTR 1 भी जनरेट करें, तो उसमें आप क्या सर्टेन टाइप ऑफ एंट्रीज करेंगे या कौन से ऑप्शन को अनेबल करेंगे सो दैट आपकी जो GST की एडवांस में एंट्री है वो आपकी 3B में और 1 में रिफ्लेक्ट करे, तो हम उसको आज देखेंगे। तो आइए मैं आपको टैली प्राइम पे ले चलती हूँ। अगर आप ERP पे भी वर्क कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सेम सेट ऑफ एंट्रीज की ज़रूरत है। आप जब भी एडवांस रिसीट की एंट्री करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। इसी में ही आपको जो टैली का एक सेट एडजस्टमेंट का फीचर है उसको यूज़ करना है, तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले आप क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट में आपको GST डिटेल्स डालनी है कंपनी की, कि कंपनी के स्टेट कहाँ पर है वो, रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर कॉम्पोजिशन, अगर अदर टेरिटरी में वर्क करती है तो उसके बारे में, GST एप्लीकेबल कौन सी डेट से, GSTN नंबर, क्या आपकी जो GSTR 1 है मंथली जाती है, क्वार्टरली जाती है, ये सिलेक्शन। देन ईवे बिल की एप्लीकेबिलिटी है, तो ईवे बिल भी टैली सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है तो उसकी डिटेल डालना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिटेल है वो है एनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट, इसको आपको यस करना है, इसको आपको यस करना है, तो आपकी जो एडवांस रिसीट में आप GST की लाइबिलिटी को बुक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली GSTR 1 और 3B में रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ ये चीज़ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, यस करना। देन अगर आपको GST रेट्स की डिटेल यहाँ पुट करनी है कंपनी के GST डिटेल में, तो आप यहाँ पर भी टैक्सेबल करके रेट पुट कर सकते हैं। ऐसे आपको ये GST डिटेल्स सेव करना है। देन आपको कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं। आइए अपन देख लेते हैं कौन कौन से लेजर्स हैं। एक तो बैंक अकाउंट आपको क्रिएट करना है। बैंक अकाउंट आप नेम, आपका जो भी बैंक है, SBI में है या सेंट्रल बैंक में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो भी है आपका, जहां पर भी बैंक, उस बैंक का नाम, उसको आप कहां क्लासिफाई करेंगे, अंडर बैंक अकाउंट करेंट एसेट में। और फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको डालनी है तो आप वो डालिए। फिर फर्दर जो भी आपके बैंक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आप चेक प्रिंटिंग करना चाहते हो तो उसको यस करिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। ऑटो रिकन्सिलेशन करना है उसको यस करिए, नो रहने दीजिए। मेलिंग डिटेल्स डालना है, आप ये डाल के बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन कैश ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है। फिर आपको CGST आउटपुट एंड SGST आउटपुट लेजर क्रिएट करना है। तो आप ये सब जो क्रिएट का है, आप मास्टर्स में क्रिएट पे जाएंगे तो आप वहाँ से लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। तो आपको CGST आउटपुट में क्या है, नेम CGST आउटपुट होगा लेजर का, वो कहाँ क्लासिफाई होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। उसके बाद फर्दर आपको टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स GST सिलेक्ट करना है। ये CGST है इसलिए उसको अपन फर्दर टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करेंगे। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रहने दीजिएगा, राउंडिंग ऑफ मेथड नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिएगा। ऐसे करके आपका CGST लेजर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको SGST आउटपुट का लेजर क्रिएट करना है। नेम उसका होगा SGST आउटपुट, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्लासिफाई होगा। फर्दर इसको आपको GST ड्यूटी एंड टाइप में क्लासिफाई करना है। और ये SGST इसलिए ये स्टेट टैक्स में क्लासिफाई होगा। फर्दर आप परसेंटेज एंड राउंडिंग ऑफ नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। ये अभी तक अपने 3 लेजर्स क्रिएट करे। उसके बाद आपको एक पार्टी लेजर की ज़रूरत होगी। पार्टी मेरे केस में मैंने विष्णु टेक लिमिटेड रखा है, उसको मैंने कहाँ क्लासिफाई करा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर इसलिए किया है, अभी जब भी हमें एडवांस रिसीव होता है तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। आगे चल के अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल हुआ, मैंने उसको गुड्स डिलीवर नहीं करे या सर्विसेज डिलीवर नहीं करे, तो ये पैसा मुझे वापस करना पड़ जाएगा, इसलिए ये हमारी अभी टेम्प्ररी लाइबिलिटी है। अदरवाइज जब भी हम सेल करते हैं या गुड्स बेचते हैं तो जो सामने वाली पार्टी होती है उसको हम डेटर के रूप में जाना जाता है अपनी बुक्स में। उसके बाद आपको अगर बिल टू बिल मेंटेन करना है तो आप यस करें, अदरवाइज नो कर सकते हैं। और विष्णु टेक लिमिटेड का मेलिंग डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उसका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या, वो रजिस्टर्ड है GST में, अनरजिस्टर्ड है या
कॉम्पोजिशन डीलर है, रजिस्टर्ड है, तो फर्दर आप GSTN प्रोवाइड करें एंड आप GST डिटेल्स प्रोवाइड करें उसके बाद। ऐसे करके आपका पार्टी लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो अभी तक कितने लेजर्स हो गए? 4 लेजर हो गए। इसके बाद आपको एक इनकम का लेजर चाहिए, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। एडवांस के ऊपर जो GST लगता है वो सर्विसेज के केस में लगता है, तो मैंने अपने केस में यहाँ कंसल्टेंसी सर्विसेज डाला है, उसको मैंने डायरेक्ट इनकम में क्लासिफाई करा है। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब लेजर क्रिएट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट इनकम में क्लासिफाई कर गए। टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट इनवॉइस राउंडिंग को नहीं सेलेक्ट करिए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। इसके बाद जो स्टैच्यूटरी डिटेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एप्लीकेबल करना है एंड देन आपको GST डिटेल्स प्रोवाइड करना है। GST डिटेल्स में आपको क्या करना है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या ये आपका सेल्स टैक्सेबल है? सेल्स टैक्स मतलब विद इन द स्टेट आपका है, मतलब इंट्रा सेल्स है, या फिर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट IGST एप्लीकेबल है तो आपको इंटर स्टेट सेल्स सेलेक्ट करना है या एग्जेम्प्ट है। ये जितनी भी आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की कैटेगरी दिख रही है राइट हैंड साइड में, उसको आपको रिस्पेक्टिवली सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप एंटर करेंगे टैक्सेबल, वो ऑटोमेटिकली होगा, और रेट डिफाइन करना है कि GST रेट क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसी से ही GSTR 1 and 3B पे रिफ्लेक्ट होगा। ये आपके हो गया फिफ्थ लेजर। अब एक जो लेजर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टैक्स ऑन एडवांस रिसीट। ये एक टेम्प्ररी लेजर है। ये लेजर इसलिए है क्योंकि आज हमें क्या मिला है, बैंक में पैसे आ गए हैं, मुझे उसमें मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे उसमें GST जमा करना है। आप जब भी अकाउंटिंग एंट्री करते हो तो जो GST की आउटपुट लाइबिलिटी है वो एट द टाइम ऑफ सेल्स रिकॉर्ड होती है। जब आप इनवॉइस रेज करते हो, सेल्स रिकॉर्ड करते हो, तब आप पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू CGST टू SGST, तब हमारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है। बट इन दिस केस क्या हो रहा है कि हमें एडवांस में GST जमा करना पड़ रहा है। तो जब मैं एडवांस की एंट्री करती हूँ अकाउंट्स में, तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब यहाँ पर CGST और SGST आउटपुट की जो लाइबिलिटी है ये मुझे बुक करनी है, तो मैं कैसे करूँगी? तो मुझे एक लेजर की ज़रूरत रहेगी, टैक्स ऑन एडवांस रिसीट की। उसके बाद मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि उसके बाद ये कैसे सेट ऑफ होगा। तो आइए अब अपन ने सारे एक बार टैक्स ऑन एडवांस रिसीट का लेजर आपको और बता दूँ। जो ये टैक्स ऑन एडवांस रिसीट का, ये सिर्फ एक टेम्प्ररी लेजर है, ये हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। जब आपका एडवांस के अगेंस्ट इनवॉइस रेज हो जाएगा तो ये हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये आउटस्टैंडिंग है इसमें पैसा, मतलब आपके पास अभी भी एडवांस पड़ा है, आपने इनवॉइस रेज नहीं किया, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा। तो जो टैक्स ऑन एडवांस रिसीट है उसको आप करेंट एसेट में क्लासिफाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये मेरा एसेट है। आज मैंने एडवांस पे GST जमा कर दिया, कल को मुझे ये एडवांस वापस करना पड़ जाएगा, तो ये जो मैंने एडवांस में GST जमा करा है, मैं उसका सेट ऑफ ले लूँगी दूसरे केस में जहाँ मेरी लाइबिलिटी बन रही होगी। तो दिस इज माई एसेट, दैट्स वाई आई हैव क्लासिफाइड अंडर करेंट एसेट। फिर उसके बाद तो आप जानते हैं, आप फर्दर डिटेल फिल कर देंगे। देन आइए अब अपन अकाउंटिंग एंट्रीज पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने अप्रैल में रिसीट बुक करी है। रिसीट में मैंने क्या किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू विष्णु टेक लिमिटेड, ये मेरी अकाउंटिंग एंट्री है। यहाँ पर मैंने क्या किया, SAT एडजस्टमेंट। यहाँ आपको राइट हैंड साइड पे सबसे लास्ट में SAT एडजस्टमेंट दिख रहा होगा, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं कि ये जो आप एंट्री कर रहे हो ये किस पर्पज से कर रहे हो, नेचर ऑफ रिसीट क्या है, क्या ये एडवांस रिसीट है या रिफंड ऑफ एडवांस पेमेंट है। तो अपने केस में क्या है, एडवांस रिसीट, तो आप एडवांस रिसीट सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप एडवांस रिसीट सेलेक्ट करेंगे एंड पार्टी का नाम डालेंगे तो वो आपसे फर्दर एडवांस रिसीट की डिटेल पूछेगा कि ये जो एडवांस आया है ये किस सर्विसेज के अगेंस्ट आया है, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज है। एडवांस अमाउंट कितना है, तो मेरे केस में 1,18,000 है। फिर ऑटोमेटिकली आप जैसे 1,18,000 डालेंगे तो वो बैक कैलकुलेट करेगा, टैक्सेबल वैल्यू 1,00,000 आ जाएगी और CGST SGST सब कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं अब यहाँ पर दूसरा अमाउंट डालती हूँ, जैसे 90,000 मैंने डाला है,
तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं दूसरा अमाउंट आ चुका है। तो मैं अभी यहाँ पर वापस 1,18,000 कर रही हूँ। तो ये 1,00,000 टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट कर ली, CGST 9%, SGST 9%, आप इसको येस करेंगे एंड एंटर करते जाएंगे न्यू रेफरेंस, क्योंकि विष्णु टेक में मैंने बिल टू बिल येस रखा था, इसलिए वो हर बिल के अगेंस्ट मुझसे रेफरेंस मांगेगा। तो न्यू रेफरेंस 1 है, 1,18,000 आया है, बैंक में आया है, एंड देन आपको सब कुछ एंटर करके सेव करना है। ये तो हो गई हमारी बैंक, सबसे पहला स्टेप है बैंक में पैसे आ गए। अब ये आ तो गए हैं, अब जल्दी से मुझे आउटपुट अपनी लाइबिलिटी बुक करनी है। तो आउटपुट लाइबिलिटी मैं जर्नल के थ्रू पास करूंगी। सबसे पहले आप जर्नल वाउचर क्रिएट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो एंट्री होगी, लाइबिलिटी जब अपन बुक करते हैं तो वो क्रेडिट होती है ना, तो क्या होगा टैक्स ऑन एडवांस रिसीट, जो मैंने आपको लेजर बताया था कि इस लेजर के सहारे मैं लाइबिलिटी बुक करूंगी और इसी लेजर के सहारे मैं अब जब मैं इनवॉइस रेस करूंगी तब मेरी जो आउटपुट लाइबिलिटी आएगी उसको सेट ऑफ करूंगी, जो एडजस्टमेंट वो करूंगी। तो टैक्स ऑन एडवांस रिसीट अकाउंट डेबिट टू CGST टू SGST, ये आप देख सकते हैं ऐसी कुछ एंट्री होगी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सैट एडजस्टमेंट। अभी ये जितना भी खेल अपन देख रहे हैं, जो ये सब अपन इसलिए करें कि GSTR 1 और GSTR 3B ऑटोमेटिकली मेरे 3B में आ जाए, उसका एडवांस का इफेक्ट आ जाए। तो आप सेट एडजस्टमेंट करेंगे, सेट एडजस्टमेंट में वो आपसे पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी GST, फिर उसके बाद बहुत सारी लिस्ट है नेचर ऑफ एडजस्टमेंट की, ये किस बेसिस पे आप जर्नल पास कर रहे हैं, डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करना है, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट करना है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करना है एंड सो ऑन। उसके बाद आप यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो, क्योंकि एडवांस में मुझे GST जमा करना है। फिर उसके बाद वो एडिशनल डिटेल मांगेगा कि एडिशनल एडजस्टमेंट क्या है, कि ये जो आप इंक्रीज कर रहे हो टैक्स लाइबिलिटी ये क्यों है, क्यों, क्योंकि आपको एडवांस रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्ट हुआ है, SEZ सेल्स हुआ है, या एडवांस पेड अंडर रिवर्स चार्ज हुआ है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल, ये जितने भी हैं इसमें अपन को टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ती है। तो यहाँ आप ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीट करोगे कि भैया हमें एडवांस रिसीट रिसीव हुआ है इसलिए हमें इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करना है। ऐसे करके आप एंटर करेंगे, देन एंटर करते करते जो CGST आउटपुट के बाद वो आपसे पूछेगा कि रेट क्या है CGST का, तो 9% है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है 1,00,000 है। इसकी डिटेल आपको जब अपन ने एडवांस की एंट्री पास की थी तब भी पता चल रही थी। वैसे ही आप फर्दर एंटर करेंगे 9% SGST के केस में, 1,00,000 टैक्सेबल वैल्यू, तो ये आप एंटर करके सेव कर देंगे। तो ये आपकी सेकेंड एंट्री हो गई। अब अपन देखते हैं कि मेरा अप्रैल तो हो गया, अब मेरा अप्रैल की GSTR 1। GST में क्या होता है, जब आप एडवांस रिसीव करते हो तो आपको GSTR 1 में भी शो करना पड़ता है एडवांस का, एडवांस रिसीट की अमाउंट, और 3B में भी शो करना पड़ता है तभी आपकी टैक्स लाइबिलिटी दिखती है। तो आइए अपन क्या करें, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, गेटवे ऑफ टैली में सबसे लास्ट ऑप्शन था डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन GST रिपोर्ट। GST रिपोर्ट में अपन पहले GSTR 1 देखते हैं। GSTR 1 में पहले आप पीरियड सेलेक्ट करिए अप्रैल, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरा टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीट में 1,00,000 रुपये शो हो गया। ऐसे ही कुछ आपका GSTR 1 होता है ऑनलाइन, मतलब पोर्टल में भी, जिसमें B2B इनवॉइस, B2C स्मॉल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड पार्टी के केस में, अनरजिस्टर्ड के केस में, वैसे ही टैक्स लाइबिलिटी होता है। और जब हम बिल रेस करते हैं तब हमें एक और करना, तब हम क्या करते हैं, जब बिल रेज होता है तो B2B में शो करते हैं और एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, इसके बाद आपको दिख रहा है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, उसमें शो करते हैं। तो अभी तो मेरा अप्रैल में ये लाइबिलिटी बुक हो गई है, अब मैं 3B में चेक करती हूँ, मेरी जो 3B है अप्रैल महीने की, उसमें भी लाइबिलिटी बुक होना चाहिए। देखिए ये लाइबिलिटी बुक हो गई है, आपके यहाँ पर आ गया है आउटपुट टैक्सेबल लाइबिलिटी। ऐसे ही आप पोर्टल में भी 3B में पुट करते हैं यहाँ पर, और 9,000 फिर पे कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी मेरी पेमेंट की। अब मैं कब करूँगी, जब मेरी मंथली लाइबिलिटी है पे करने की, तो मैं मई में 20 तारीख से पहले मुझे GST पे करना है, तो 10th मई को मैंने GST पे कर दिया। तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, CGST आउटपुट डेबिट, SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैंने GST लाइबिलिटी अपनी पे कर दी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मेरी थर्ड एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सेट ऑफ, जब मैं बिल रेस करूंगी तो मेरी सेट ऑफ एंट्री क्या होने वाली है। तो मैंने जो बिल रेस किया है वो जून मंथ में किया है, तो जून मंथ पे सबसे पहले मैं बिल रेस की एंट्री करूंगी, तो क्या है मेरा
विष्णु टेक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी सर्विसेज टू CGST टू SGST। ऐसे मेरा विष्णु टेक भी खत्म हो गया क्योंकि उससे 1,18,000 रुपये आए थे। मैंने 1,18,000 का उसको इनवॉइस रेज कर दिया, मैंने अपनी इनकम बुक कर दी 1,00,000 रुपये की, उसके अगेंस्ट मैंने CGST आउटपुट और SGST आउटपुट भी 9,000 का बुक कर दिया। ऐसे करके मैंने अपना इनवॉइस रेज कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मेरा से जो CGST आउटपुट और SGST आउटपुट दिख रहा उसका क्या होगा? अब फिर मैं जून में फिर से अपनी लाइबिलिटी पे करूंगी क्या? तो नो, मुझे इसको एडजस्ट करना है अगेंस्ट माय एडवांस। तो इसलिए जो टैक्स ऑन एडवांस रिसीट का जो मैंने लेजर खोला था करेंट एसेट में, वो अब काम का है क्योंकि मैंने एडवांस में अपना GST जमा करके रखा था डिपार्टमेंट में, दैट वॉज माई एसेट। अब वो एसेट को मैं यूज करूंगी अगेंस्ट माई लाइबिलिटी। तो अब क्या एंट्री होगी, मैंने अभी क्रेडिट किया था CGST और SGST आउटपुट को, अब मैं उसको डेबिट करूंगी और बाकी मेरा जो टैक्स ऑन एडवांस रिसीट ऑलरेडी डेबिट में था वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो CGST आउटपुट अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू टैक्स ऑन एडवांस रिसीट। तो ऐसे आप देखिए सब कुछ खत्म हो गया, मेरा CGST आउटपुट भी, SGST आउटपुट भी जीरो हो गया और टैक्स ऑन एडवांस रिसीट भी जीरो हो गया। इसमें बस ये ट्विस्ट है कि आप जो जर्नल में पास करेंगे ये एंट्री, और जर्नल में सेम SAT एडजस्टमेंट, ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट में SAT एडजस्टमेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे, अगेन वो आपसे पूछेगा कि ये टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है GST। फिर जो नेचर ऑफ एडवांसेस अपन ने इससे पहले देखे थे जिसमें इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी सिलेक्ट किया था, अब अपन करेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। फिर वो पूछेगा भाई डिक्रीज क्यों कर रहे हो अपनी टैक्स लाइबिलिटी, तो फिर वो आपको नेचर ऑफ एडजस्टमेंट सिलेक्ट करना है कि एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, कैंसिलेशन ऑफ एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसीट या सेल अगेंस्ट एडवांस रिसीट। तो हमारे पास क्या है, सेल अगेंस्ट, हमने एडवांस रिसीट के अगेंस्ट सेल कर दिया इसलिए हमें डिक्रीज करनी है अपनी, हमने एडवांस के टाइम पे अपना GST जमा कर दिया है। तो ये मैंने जैसे ही सिलेक्ट करूंगी और एंटर पुट करूंगी, देन अगेन वो मुझसे CGST आउटपुट के बाद रेट पूछेगा और टैक्सेबल वैल्यू पूछेगा, मैंने 9% एंड 1,00,000 पुट करा है। फिर SGST में वो अगेन 9% एंड टैक्सेबल वैल्यू पुट करेगा और फिर मैं इसको सेव कर दूंगी। तो ये मेरी जून में दो एंट्रीज हो गई। ऐसे हमें हमने कितनी एंट्री कर दी, 5 एंट्री करी है। और अब मैं आपको बताती हूँ GST रिपोर्ट में GST 1 में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा जून महीने में। तो जून का पीरियड मैंने सिलेक्ट करा, देखिए मैंने जून में अपनी सेल्स बुक करी थी इसलिए B2B में इनवॉइसेस में शो होने लगा। अब मुझे इस पे टैक्स तो देना नहीं है और मेरे एडवांस के अगेंस्ट भी एडजस्ट करना है, तो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस में 1,00,000 शो हो गया, मेरी इफेक्ट निल हो गई। यहाँ पर इफेक्ट पूरा मेरा निल हो गया है। आप फर्दर एंटर करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ऐसे करके मेरी GST 1, आप जब पोर्टल में फिल करते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं कि एडवांस, जब एडवांस रिसीट पे हम टैक्स जमा करते हैं तो एडवांस रिसीट कॉलम में बताते हैं, एंड फर्दर जो फर्दर पीरियड में हम जब उसको सेट ऑफ करते हैं तो एडजस्टमेंट में हमें बताना पड़ता है कि हमें, हम अब इस एडवांस के अगेंस्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बिल रेज हो चुका है। वैसे ही GST 3B में देखते हैं जून महीने में क्या है, तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं है मेरी और होनी भी नहीं थी। तो ये सारे आपको एंट्रीज करने हैं अगर आप एडवांस में GST बुक कर रहे हैं और आपको GST 1 और 3B टैली से जनरेट करना है। तो आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, जब पैसा मिलता है सबसे पहले एडवांस आपको मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस रिसीट, उसमें आपको SAT एडजस्टमेंट सेलेक्ट करना है और एडवांस रिसीट बताना है, तो टैली को पता चल जाएगा कि ये एंट्री है जिसमें मुझे GST का इफेक्ट लेना है। उसके बाद आप अपनी आउटपुट लाइबिलिटी बुक करोगे CGST एंड SGST की थ्रू वन लेजर, दैट इज टैक्स ऑन एडवांस रिसीट। इट इज अ टेम्पररी लेजर, बाद में जाके ये निल हो जाएगा। बाद में कब, जब आप इनवॉइस रेज करेंगे उस टाइम पे क्या एंट्री होगी, टैक्स अकाउंट डेबिट टू CGST टू SGST। ये आपकी जर्नल में पास होगी, इसमें भी आपको SAT एडजस्टमेंट सेलेक्ट करना है। SAT एडजस्टमेंट में ये बताना है कि हम ये इंक्रीज कर रहे हैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीट। ये दो एंट्री होगी जिस महीने में आप एडवांस पे GST जमा कर रहे हैं। फिर जब आप इनवॉइस, फिर आप नेक्स्ट आपका होगा पेमेंट की एंट्रीज, तो वो तो मैं बताऊँ नहीं, वो तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी बुक हुई है तो GST भी आप पे करेंगे।
तो देन फिर सिचुएशन कब पड़ती है, जब आप इनवॉइस रेज करोगे. तो इनवॉइस जब रेज करोगे तब आप इनकम बुक करोगे. इनकम कैसे बुक करेंगे आप, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स या टू सर्विसेज टू CGST एंड टू SGST. अब ये आउटपुट लाइबिलिटी को अपन को डिक्रीज करना है, क्योंकि हम एडवांस में ऑलरेडी टैक्स जमा कर चुके हैं. तो उसको आप कैसे बताएंगे, फिर नेक्स्ट अपनी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, जर्नल में पास होगी. आप रिवर्स एंट्री करेंगे, CGST आउटपुट डेबिट, SGST डेबिट टू टैक्स ऑन एडवांस रिसीट. और इसमें आप SAT एडजस्टमेंट सिलेक्ट करेंगे. SAT एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ सेल अगेंस्ट एडवांस रिसीट. तो ये चार बस एंट्रीज हैं जो आप करेंगे, तो आपके GSTR1 में एडवांस का इफेक्ट भी आ जाएगा और ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी आ जाएगा. तो होप आपको ये टैली में एंट्री समझ आई होगी. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. ऐसे ही मैं एंट्रीज पे भी अपडेट करती रहूँगी. और आपको कोई एंट्री में डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं. तो अगर आपको इस वाली वीडियो को इंग्लिश वर्जन में भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें. मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.